शिकारी जानवर किसी जानवर को मारने के बाद ही उसे खाना शुरू करते हैं, लेकिन यह बात हमेशा सही नहीं होती। कई बार शिकारी जानवर अपने शिकार को जिंदा खाना शुरू करते हैं, जो काफी दर्दनाक होता है। तो देखते हैं कई ऐसे मौके जिसमें खूंखार एनिमल्स ने अपने शिकार को जिंदा खाया। दोस्तों, इससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नंबर 10, बबून्स। बबून्स को बंदरों की प्रजाति में सबसे आक्रामक माना जाता है। वैसे बबून्स सिर्फ शाकाहारी नहीं होते, अक्सर उन्हें दूसरे जानवरों को खाते हुए देखा जा सकता है। आप इस वीडियो में देख सकते हो कि कैसे बबून हिरण के बच्चे को काफी क्रूरता से नोचकर खा रहा है। यहाँ बबून ने बेबी इम्पाला को अपना शिकार बनाया है। गुस्सेल बबून से मदर इम्पाला अपने बेबी को नहीं बचा पाई। बबून्स इतने खतरनाक होते हैं कि कभी कभी वो शेर के बच्चों को चुरा कर उन्हें मार देते हैं। नंबर 9, लायन वर्सेस हिप्पो। जब चलते हुए हिप्पो की नजर शेर पर पड़ती है तो शेर को अपने नजदीक देख हिप्पो भागने लगता है, लेकिन कुछ ही समय के अंदर शेर हिप्पो पर अटैक करके उसे गिरा देता है। भारी भरकम वजन होने के कारण हिप्पो फिर से खड़ा नहीं हो पाता। इसी का फायदा शेर उठा लेता है और हिप्पो को जिंदा खाना शुरू करता है। लेकिन दोस्तों, गुस्सेल हिप्पोस कई बार शेर पर भी भारी पड़ जाते हैं। नंबर 8, हाइनास वर्सेस विल्ड बीस। अपने छोटे आकार के बावजूद हाइनास काफी घातक शिकारी होते हैं। हाइना ने विल्ड बीस को काफी बुरी तरह से घायल कर दिया। बेचारा विल्ड बीस चल भी नहीं पा रहा। कुछ समय बाद हाइना विल्ड बीस को खाना शुरू करता है। आप इस वीडियो में भी देख सकते हो कि हाइना विल्ड बीस पर काफी समय तक हमला करता है और विल्ड बीस खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बुरी तरह से घायल विल्ड बीस खुद को नहीं बचा पाता। नंबर 7, ईगल वर्सेस स्नेक। यह काफी डरावना दृश्य है। ईगल जिंदा सांप के शरीर को फाड़कर खा रहा है। बेचारा सांप गरुड़ के मजबूत पकड़ से अपने आप को नहीं छोड़ा पाता। ईगल के नुकीले पंजों की पकड़ काफी मजबूत होती है। ईगल जहरीले सांपों का शिकार भी काफी आसानी से कर सकते हैं। नंबर 6, चीता वर्सेस रीडबक। चीता की पूरी फैमिली हिरण पर बुरी तरीके से हमला करती है, जिसमें दो छोटे शावक भी शामिल है। हिरण खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। फिर क्या, बेबस हिरण पर चीता की फैमिली टूट पड़ती है। नंबर 5, ऑटर्स। ऊद बिलाव कभी भी किसी से लड़ाई करने से पीछे नहीं हटते, और इनसे कछुआ कैसे छूट सकता है। यहाँ ऑटर्स चुपके से बड़े टर्टल पर हमला करता है। ऑटर कछुए के बैक साइड पर अटैक करके उसे उल्टा करने की कोशिश करता है, जो काफी मुश्किल काम होता है, लेकिन ऑटर इसमें कामयाब हो जाता है। फिर ऑटर कछुए को बुरी तरह से काटना शुरू करता है और उसे पानी में खींच लाता है। उल्टा किया गया कछुआ ऑटर के लिए एक आसान शिकार बना। इस वीडियो में दिखने वाले दो ऑटर्स कछुए के लिए काफी बुरे साबित हुए। एक ऑटर कछुए के सिर को काफी बुरे तरीके से खींच रहा है, शायद यह टर्टल की गर्दन तोड़ना चाहता हो। ऑटर्स ने कछुए का काफी क्रूरता से शिकार किया। नंबर 4, क्रोकोडाइल वर्सेस जिब्रा। मगरमच्छ की बाइट दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बाइट्स में गिनी जाती है। मगरमच्छ अपने ताकतवर जबड़े से जिब्रा पर हमला करता है। बेचारा जिब्रा खून से लथपथ हो चुका है। कुछ ही मिनट के अंदर मगरमच्छ जिब्रा की जान ले सकता है, लेकिन इससे पहले जिब्रा खुद को बचाने के लिए आखिरी कोशिश करता है। जिब्रा मगरमच्छ को किक मारकर उससे छूटने की कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता। आप इस वीडियो में देख सकते हो कि कैसे कई मगरमच्छों ने जिब्रा पर हमला किया है। जिब्रा पर किया गया यह हमला काफी दर्दनाक कहा जा सकता है। नंबर 3, वाइल्ड डॉग्स। झुंडों में रहने वाले जंगली कुत्ते काफी खतरनाक होते हैं। यह अपने शिकार को जिंदा ही नोचकर खाने लगते हैं। जंगली सुअर पर वाइल्ड डॉग्स ने हमला किया है। वाइल्ड डॉग्स का झुंड
जंगली सुअर को काफी क्रूरता से जिंदा ही नोच कर खा रहा है। यहाँ दो वाइल्ड डॉग्स ने हिरण पर हमला किया है। हिरण की भागने की कोशिश नाकाम होती है। कुछ समय बाद यह हिरण को जिंदा खाना शुरू करता है। फिर वाइल्ड डॉग्स का पूरा झुंड हिरण को खाने के लिए आ जाता है। यहाँ हिरण की मौत काफी दर्दनाक रही। नंबर 2, हाइनास वर्सेस हिप्पोस। वैसे हिप्पोस काफी खतरनाक और गुस्सैल जानवर है। जंगल के खूंखार जानवर भी हिप्पोस से दूर रहना ही पसंद करते हैं। कोई बहादुर जानवर ही हिप्पोस पर अटैक कर सकता है। यहाँ पर हाइना का झुंड हिप्पो पर काफी बुरी तरीके से हमला करता है। हाइनास हिप्पो की बॉडी को नोच कर खा रहे हैं। वीडियो में दिखने वाला हिप्पो शायद बीमार हो और इसी का फायदा लकड़बग्घों ने उठाया है। नंबर 1, हाइना वर्सेस जिब्रा। ऐसी मुसीबत किसी पर भी ना आए। बेचारे जिब्रा की दोनों टांगे शिकारी जानवरों ने तोड़ दी है और टूटे हुए पैरों के जिब्रा को हाइनास के झुंड ने घेर लिया है। जिब्रा भाग नहीं सकता और ना ही हाइनास पर अटैक कर सकता है। ऐसी सिचुएशन में जिब्रा हाइनास के लिए एक आसान शिकार बना। दोस्तों, आपको इनमें से कौन से जानवर का शिकार काफी बुरा लगा ये कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।